बस करो पूनम पांडे, अब हम और कोई झूठ नहीं सुनना चाहते। लगता है कि पूनम पांडे को अभी तक अकल नहीं आई है। एक मिनट, ये बात हम नहीं लोग बोल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों हम और बाकी लोग एक बार फिर पूनम पांडे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पूनम पांडे ने इस बार काम ही ऐसा किया है। इस बार पूनम पांडे ने क्या किया है और लोग उन्हें दोबारा ट्रोल क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक नया अपडेट डाला है। पूनम ने अपनी पिछली पोस्ट को हटाकर एक नए अपडेट में कहा है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। हाँ, इसके बाद पूनम ने एक दिन पहले एक और पोस्ट डाला और उसमें लिखा, सो नाउ दैट आई सेड ट्रूथ शैल बी रिवील्ड द स्टेक होल्डर्स हैव गॉट द शिवर्स, और उन्होंने आगे लिखा एंड सेंट अस अ लीगल नोटिस। पूनम पांडे इस पोस्ट में कुछ क्लियर तो नहीं करती, लेकिन हाँ, वो एक लीगल नोटिस की बात जरूर कर रही हैं। अभी तक पूनम ने सच्चाई नहीं बताई है कि अब वो आगे क्या करने जा रही हैं, पर हाँ, अब वो दो पोस्ट करके हिंट दे चुकी है। पूनम पांडे ने अपनी इस दुनिया में ना रहने वाली पोस्ट भी सभी हटा दी है और एक नया अपडेट डाला है, जिसकी वजह से लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक और झूठ नहीं झेलना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अब फिर से अटेंशन मांग रही है, तो कुछ कह रहे हैं कि और भी कुछ बचा है क्या अभी। तो थोड़े टाइम पहले की बात करें तो पूनम पांडे के ऊपर 100 करोड़ का भी केस हुआ था। पूनम पांडे द्वारा झूठी कहानी फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दायर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला फैजान अंसारी ने दायर किया था। उन्होंने पूनम पांडे पर कैंसर का मजाक बनाने और लाखों लोगों की भावनाओं और विश्वास के साथ छेड़छाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया था। ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे पूनम पांडे ने सभी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पूनम के लिए दुखी हो रहे थे। 2 फरवरी को पूनम की पीआर टीम ने खबर फैलाई थी कि पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं रही। खबर के सामने आने के बाद कंगना रनौत से लेकर बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी तक ने पोस्ट के जरिए दुख जाहिर किया। लेकिन अगले ही दिन पूनम ने अपनी झूठी दुनिया में ना रहने वाली खबर का खुलासा कर बताया कि वो तो जिंदा है और वो सर्वाइकल कैंसर के लिए बस एक अवेयरनेस फैला रही थी। तो फिर क्या था, पूनम पांडे को सोशल मीडिया पर खूब खरी खोटी सुननी पड़ी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पूनम पांडे को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन पूनम पांडे ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिया है। उन्होंने एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि जल्द सच्चाई सामने आएगी, और फिर उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें वो कुछ लीगल नोटिस की बात कर रही है। तो लोग अब उन्हें फिर से ट्रोल कर रहे हैं, और अब सवाल तो ये है कि अब क्या बड़ा करने वाली पूनम पांडे। अभी तो हम नहीं बता सकते कि पूनम पांडे क्या बड़ा करने वाली है, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।